ले गए। अगर फातिमा ने देखा, मौलाए कायनात मौलाली मुश्किल खुसा ने देखा, आपने हिरण का तो वाक्य सुना, लेकिन ये बात सुनो, मेरे आका हुसैन मौला हुसैन हक हुसैन घर पे ले गए। अब शेर को रोजाना घुमाने ले जाते, हमारे बच्चे क्या करते, जो कुर्बानी का बकरा होता है या बकरा है तो उसे घुमाने के ले जाते हैं, और बच्चे को पूछते हैं तो कहते ये कुर्बानी का है। अरे उसका भी अदब करो, ये अल्लाह की निशानी है। हाँ, कुर्बानी का बकरा अल्लाह की निशानी है, उसका भी अदब करो। और इसलिए कि ये कुर्बान होने वाला अल्लाह की राह है, और बकरों से ये बकरा अफजल है, बेहतरीन है। तो अर्ज करनी है, जब शेर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ मदीने की गलियों, मेरे आका हुसैन के साथ साथ, जिस तरह हमारे ये बकरे साथ चलते, आका हुसैन के साथ शेर चढ़ता, शेर। अब अहले मदीना में ऐसे भी लोग थे जो डरते थे, आज हमी सारी डरते थे। तो रसूल पाक की बारगाही में आकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु आका, हमारे माँ बाप आका पे कुर्बान, ये आपका बेटा हुसैन शेर लेकर चलता है मदीने की गलियों में, और हमारे बच्चे डरते हैं, क्या है? शेर बड़ा हो चुका है और हमारे बच्चे डरते हैं, तड़प जाते, मचलते हैं, हमें आकर फरियाद करते हैं, डर जाते हैं। तो आका हुसैन ताजा रहकर बला को बुलाया गया, बेटा हुसैन इधर आ। अब बेटा हुसैन ऐसे कर, ये जंगल का है शेर, इसे जंगल में जाने देते हैं, कहना जन आप तो ठीक समझे क्या। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शेर को कहा कि अब जंगल की तरफ चला जाओ, कसम खुदा की शेर कुर्ब के आका उसका दीदार कर रहा है और जंगल की तरफ जा रहा है, चला गए। ये है आका हुसैन, और एक अहमद जामी शेर पर बैठ के इस शेर से दूसरे शेर जाते, इस गांव से दूसरे गांव जाते। जब मेरे गौस आजम दस्तगीर की बारगाही में पहुंचे तो ये कहते, पहले मेरे शेर के लिए शिकार चाहिए, जानवर चाहिए, हर एक वली देता, जो मेहमानी करता वो देता। अब मेहमान पर एक हदीस रिवायत सुनिए, मेहमान नवाजी क्या है। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलात व सलाम ने, हमारा एक दरवाजा और किसी का दो होता है, इनके चार चार दरवाजे चारों तरफ खुले, और जब तक मेहमान ना आए खाना ना खाए, और रोजाना लंगर चलता, किसका? इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलात व सलाम का लंगर चलाते। ये हमने सही दादा कबूर को चलाते लंगर, मैंने गौस पाक का लंगर देखा है, महबूब इलाही का लंगर देखा, गरीब नवाज लंगर ये देखा, लेकिन ये इब्राहिम कलीलुल्लाह अलैहि सलाम को सलाम का लंगर करता। मिस्र से, शाम से, यमन से लोग गरीब आते, बेवा औरतें होती, यतीम बच्चे आते, अमीर गरीब सब खाते। लेकिन जब बारिश नहीं हुई, हल्का बारिश नहीं हुई, तो आप जानते हैं कि बारिश नहीं होगी तो गांव वो नहीं सकते, वो भी नहीं सकते, मेहमान आए हुए हैं और भूखे हैं। खादिमों को बुलाया इब्राहिम अलैहि सलाम को, कहा कि मेरे एक दोस्त है और उसके पास गंदम गेहूं बहुत है, आप जाओ और कहो कि सैयदना इब्राहिम अलैहि सलाम को सलाम में भेजा, वो आपको बोरिया देगा। तो ऊंट लेकर चले हैं ये लोग, हैं जब वहां पहुंचे, बेगाम सुनाया सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलात व सलाम का, तो कहा कि अल्लाह के नबी इब्राहिम अल्लाह को कहना कि थे खत्म हो गए, अल्लाह हो पर मायूस लौटे। तो उम्मती थे इब्राहिम अल्लाह अलैहि सलात व सलाम के, कहा ऐसे करो बोरिया खाली है ना, कहा मेहमान देखेंगे है वो गमगीन हो गए, एक तो भूखे हैं, तो क्या करें, का रेत भर लो, रेत क्या, का
रेत बोले बोरिया में और हम डायरेक्ट हमारे ऊंटों को मकान के अंदर रखेंगे और बोरिया रख देंगे क्या दरवाजे के पास ऊंटों को खड़े रखेंगे ताकि विमान को लगे कि बोरी आ गई है गांव आ चुके हैं। अब जब पहुंचे तो बोरिया उठा उठा कर घर के अंदर रखने लग गए, विमान को तसल्ली हुई, सुकून मिला, दिल को करार मिला कि अब खाना मिलेगा। अल्लाह अकबर हजरत सारा रजी अल्लाह तआला के दिल में ख्याल आया, इब्राहिम अलैहि सलाम के कमरे में है आराम कर रहे हैं और यहां जैसे ही बोरिया खोली है कसो खुदा की गंदम निकले कबो सुभान अल्लाह और खुशबू ही खुशबू पूरे मकान में खुशबू। हजरत सारा ने रोटियां बनाई, रोटियों से खुशबू जा रही थी, कबो सुभान अल्लाह खुशबू जा रही थी। और हजरत सारा गई अपने शोर के पास सैयदना इब्राहिम खुल्ला की बारगाह में, कहा हजरत कमाल हो गया, आपका जो दोस्त है मिस्र वाला इतने खुशबू वाले गम अता हर पाए, कसम खुदा की। तो खादिम आए उनको कहा इस तरह का मामला है, तो हजरत इब्राहिम सत्य में गए और पता चला कि इब्राहिम खलील अलैहि सलाम